हेलो फ्रेंड्स, क्या अभी तक आप वही ऑनलाइन सर्च कर रहे हो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी एज एन कॉलेज स्टूडेंट? अगर आपका आंसर यस है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे वेज बताने वाला हूँ, एक दो या तीन नहीं पूरे 7 वेज ऐसे बताने वाला हूँ जो एज एन कॉलेज स्टूडेंट आपको हेल्प कर सकते हैं अर्न करने के लिए। गाइस, 100% जेन्युइन वे है। मैंने कई सारे इसमें से खुद अप्लाई किए, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम या लिंकडिन पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ देखना है कि मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ मनी ऑनलाइन, वो भी 100% जेन्यून, तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपको कैसे अर्न करना है। तो वो बात करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अभी तक मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर देना, सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। गाइस, नंबर वन वे, अप्लाई टू इंटर्नशिप एंड ग्रैब द इंटर्नशिप। हाँ फ्रेंड्स, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। आप अगर मुझे फॉलो करते हो या मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखते हो तो आपको डेली बेसिस पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। कई सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है और उनको बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए या नहीं मिल सकती है। कई सभी के टाइम पे कंपनी स्किल्स मांगती है रेदर देन क्वालिफिकेशन, तो वो बात आप याद रखना। और आप चाहो तो मैं आपको एक ऐसे एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको दे सकता हूँ जहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए काफ़ी अच्छी या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या आप कोई भी इंटर्नशिप अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, क्या मिस्टेक नहीं करनी होगी, तो आपको इंटर्नशिप जल्दी से मिल जाए और आपको ऑफर लेटर भी तुरंत आ जाए। तो अगर आपको वो टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो आ जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये फर्स्ट वे आपको अच्छा लगा होगा कि अप्लाई टू इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप ऑफिशियली कॉलेज भी रिकमेंड करती है स्टूडेंट्स को। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, पहले इंटर्नशिप करने के, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वही कंपनी में। ज़्यादातर आपको इंटर्नशिप विद प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकती है। तो गाइस, आई होप आपको ये फर्स्ट वे अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। गाइस, सेकंड वे, आपको ऑनलाइन टीचिंग। गाइस, आपको पता है कि कोविड के टाइम के बाद सब ऑनलाइन ज़्यादा हो गया और ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्ट्रेटेजी के साथ रन हो रहा है। तो गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो। गाइस, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको एज एन एजुकेटर वर्क कर सकते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को एजुकेटर का रोल काफ़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपको वो प्लेटफॉर्म के बारे में वीडियो चाहिए या कौन से प्लेटफॉर्म्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो लेके आ जाऊँगा। आप चाहो तो ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हो, आप अपने नियर बाय एरिया के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन टीचिंग भी करवा सकते हो। अगर आपको पैसे नहीं थे कि आपको पढ़ाना है किसी को, तो मैंने खुद ये कोविड के टाइम पे मैंने किया था, मैंने 12 साइंस के स्टूडेंट्स को खुद केमिस्ट्री पढ़ाया था और आपको वहीं से काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। कैसे, ये पैसे के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, पैसा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है या आपको इम्प्रूव करना है, आपको अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करना है, तो टीचिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। तो गाइस, कमेंट करके बता देना आपको यह ऑप्शन भी अच्छा लगा या नहीं। सेकंड नंबर पे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में डिस्कस किया है, अब थर्ड नंबर पे आता है ऑफलाइन टीचिंग। अगर आपको ऐसा हो कि मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ाना या मुझसे नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको ऑफलाइन टीचिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, ऐसे बेंगलोर, चेन्नई जैसे, मतलब वहाँ से बिलोंग करते हो, तो आपको पर आवर 800 to 1000 रुपीज़ मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो, मैंने खुद किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप दूसरे एरिया से बिलोंग करते हो तो भी आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने अंडर, मतलब उनके सुपरविजन में पढ़े। तो आप वहाँ पे कॉलेज के टाइम पे आप 1 to 2 आवर्स रेली निकाल सकते हो, या वीकेंड पे कि आप उनके घर पे जाके खुद आप ग्रुप ट्यूशन या पर्सनल ट्यूशन आप करवा सकते हो। और सिटीज़ में तो ये पर आवर के बेसिस पे आपको पे आउट मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये भी आप ग्रैब कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको थर्ड वाली अपॉर्चुनिटी कैसी लगी ऑफलाइन टीचिंग की। गाइस, हमारा फोर्थ नंबर पे आता है मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप में से कई लोगों को ये टर्म थोड़ा न्यू लगेगा, बट आप बेसिकली ये टर्म से फेमिलियर है। आपने कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके पास काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बेस है, फॉलोवर है,
वो कई सारे ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट का प्रमोशन करते होंगे। आपने कहीं पे देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे पेड पार्टनरशिप विथ एक्स वाई जेड कंपनी। तो गाइस बेसिकली वो एक इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो गाइस आपको करना क्या होगा कि आप भी एक मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आपके पास अगर 1000+ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे या आपके पास काफ़ी अच्छी रीच है सोशल मीडिया पे, तो आपको छोटे बड़े ब्रांड के साथ आप कोलाबरेट करके आप अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम 1000 फॉलोअर्स भी है तो आपको आराम से 2 से 4 हज़ार के बीच में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक कोलाब्रेशन आपको मिल सकता है। अगर आपको कैसे कंपनी के पास आपको प्रपोजल भेजना है, कैसे आपको रिक्वेस्ट करनी है, कैसे आपको ब्रांड आएगी आपके पास खुद, वो आपको अगर सीखना है तो मुझे आप लिंक आप सॉरी गाइस नीचे आप मुझे बता के कमेंट कर सकते हो। आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मेरे पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक्सपीरियंस है कैसे आपको प्रपोजल भेजना होगा, कैसे एक सक्सेसफुल कोलाब्रेशन होगा ब्रांड के साथ, तो वो सब कुछ आपको मैं सिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना आपको जो भी नीड्स है, और ये टिप आपको फोर्थ नंबर की आपको कैसे लगी वो मुझे बता देना। गाइस हमारा फिफ्थ नंबर का वे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो तो भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आ सकता है। आपको बेसिकली आपको फ्री कंटेंट आपको ऑनलाइन रिसर्च यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हो हाउ टू बिकम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आपको थोड़े ही दिन में आपको वो स्किल्स आ जाएगी और आपको बेसिक कैनवा और एडोबी जैसे सॉफ्टवेयर आपको जस्ट सीखने रहेंगे। उसके साथ आप कंपनी के साथ कोलाबरेट कर सकते हो। आप मिनिमम आपको 50 रुपीज़ पर पोस्ट मिल सकता है। मैं पर्सनली एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल का थंबनेल देख सकते हो। मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है थोड़े मंथ से, तो आपको मेरे थंबनेल में भी काफ़ी अच्छा आपको ग्राफिक्स दिख रहा है, तो वो मैं खुद बना रहा हूँ। तो गाइस आप खुद भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, और आप एज एन फ्रीलांसर भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क कर करके आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको अर्न कर सकते हो। अगर आप कॉलेज के कोई सेल्स में हो, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल, EDC सेल, या कोई भी आप टेक्निकल सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं सभी कॉलेज में, तो वो डे तो नहीं बट वीकली या मंथली उनके कई सारे इवेंट्स होते हैं। आप खुद भी हैकेथॉन या कुछ और एक्स वाई जेड इवेंट्स आप बोल सकते हो, या कहीं पे समर मीटअप है, या कोई भी एक वेबिनार या सेमिनार कॉलेज अपने आप खुद कंडक्ट करवाता है, या बाहर से कोई आता है, तो उसके लिए ग्राफिक्स नीड चाहिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो आपको वो ग्राफिक्स आप अगर आप बनाना सीख गए तो आपको कॉलेज भी पे कर सकता है आपको, क्योंकि कॉलेज को एट दी एंड वर्क चाहिए, तो अपने स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी देने में बिल्कुल ना नहीं बोलेंगे। तो आपको पर्सनली अगर आपको इसमें भी रिकमेंड चाहिए कि आपको कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको ग्राफिक डिज़ाइन सीखनी है, बाद में आपको एज एन फ्रीलांसर वर्क करना है, आपको USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा के क्लाइंट्स चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये भी कमेंट में बता देना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर ज़रूर कर देना। गाइस सिक्स नंबर पे हमारा आता है कंटेंट राइटिंग। हाँ गाइस, ये अब दी वन ऑफ दी बोस्ट यहाँ पे अभी मार्केट में चल रहा है, अभी काफ़ी बूम में है ये कैटेगरी। आप कोई भी कंपनी, कोई भी एडटेक कंपनी या फिनटेक कंपनी या कोई भी कैटेगरी कंपनी देखो, आपको सोशल मीडिया पे उनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर बेस मिलेंगे। आपको कंटेंट के साथ राइटअप भी मिलता है, तो वो जो राइटअप जो लिखते हैं वो कंटेंट राइटर की पूरी एक टीम होती है, मोर देन 1% भी हो सकते हैं टीम में, या इंडिविजुअल कंटेंट राइटर भी कंपनी हायर करती है। तो अगर आपके पास राइटिंग की स्किल से आपको बुक लिखना या आर्टिकल लिखना पसंद है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है कि आप सोशल मीडिया आपका खुद यहाँ पे आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हो, और आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो कि आप कैसे उनके लिए कंटेंट राइटिंग का वर्क कर सकते हो। इसमें भी मिनिमम आपको 100 to 200 rupees पर पोस्ट आपको मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी वर्क। यहाँ पे जो भी पे आउट होता है वो वर्क्स होते हैं, मिनिमम 250 वर्ड्स, 500, 750, 1000, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे आप कर सकते हो, या 1 rupees में आपके 10 वर्ड्स आ गए। मैं आपको बेसिकली जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस और माइनस हो सकता है, एट दी एंड डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आपको वर्क देती है या आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो। तो अगर आपको ये भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। आप में 7 में से कोई भी वे आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करके बता देना। आपका एक कमेंट एंड एक शेयर मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसा ही अच्छा वर्क करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। हमारा 7th नंबर का है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, टू स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल। हाँ फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब चैनल पे इनिशियली आपको थोड़ा वर्क करना है और आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, बट अगर आपका चैनल एक बार ग्रो हो गया तो आपको पैसिव इनकम भी हो जाएगी काफ़ी अच्छी। आपको यूट्यूब चैनल पे मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर आपको कंप्लीट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा, उनकी रिस्पेक्टेड टीम
रिव्यू करेगी आपके चैनल को, उसके बाद आपका सक्सेसफुल मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, उसके बाद आपको डॉलर में अर्निंग हो जाएगी आपको गूगल एडसेंस तो रिस्पेक्टिवली। नॉट ओनली गूगल एडसेंस, आपको कई सारे बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल ब्रांड प्रमोशन, कंपनी के साथ कोलाब्रेशन या कोई ब्रांड इन्फ्लुएंसर। अभी सभी छोटी या बड़ी कंपनी आपको यूट्यूब चैनल पर आप एड देखते हो कभी, तो आपको पता होगा कि कई सारी कंपनीज कोई भी कैटेगरी का सभी आप यहाँ पे ऑनलाइन यूज़ करती है। और यूट्यूब चैनल का फ़ायदा यह है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होगा, आपका नेटवर्किंग बढ़ जाएगा, आपकी मार्केट में वैल्यू और बढ़ेगी। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास इनफ टाइम मिलेगा कि आप अपने स्टडीज़ के साथ ये यूट्यूब चैनल आप ग्रो करो, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल सेम आपको ऐसी फीलिंग लगेगा कि आप एक बिजनेस ग्रो कर रहे हो। तो आपको अप्स एंड डाउन्स तो थोड़े हो गए जो मैंने पर्सनली फेस किए हैं, बट एक बार आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया और एक मिनिमम आपका एक सब्सक्राइबर बेस बन गया तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सेवन वेज आपके लिए मैंने शेयर किए। एक बोनस वे भी आपके लिए जो कि है स्टार्ट ब्लॉगिंग। अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, उसमें भी आप एडसेंस का लिंक करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। आपको वेबसाइट पर एड्स दिखती है तो सब मेजोरिटी बहुत सारी कंपनी से गूगल एडसेंस ही होती है ब्लॉग पे, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको पार्टनरशिप या एफिलेट लिंक लगा के आप अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस, ये मेरी बोनस टिप थी आपके आज के वीडियो में। मैंने 7+1 यानी 8 टिप्स आपको दी है। आपको 8 में से जो भी अच्छी लगी है तो, और आप जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले मेरे ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचती है, उनको मेरे वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन गेन हुई है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, आपको ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, टेलीग्राम पे शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।